श्याम भरिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज, चक 5BLM, श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री पर मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है बलबन की उपलब्धियाँ। बलबन की उपलब्धियाँ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि 1210-11 से लेकर 1236 ईस्वी तक दिल्ली पर इल्तुतमिश ने शासन किया था। 1236 से 1240 के बीच इल्तुतमिश की योग्य पुत्री रजिया सुल्तान ने शासन किया था, जिसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में प्राप्त कर ली थी। आज हम बलबन, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक योग्य शासक माना जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रजिया सुल्तान के पश्चात दिल्ली का जो शासक है वह मुइजुद्दीन बहराम शाह बनते हैं, जो कि 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसके अपनी शासन सत्ता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए तुर्क अधिकारियों ने एक नवीन पद नायब ए उमलत की स्थापना की थी, जो कि संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होगा। यह पद एक संरक्षक के समान था। सर्वप्रथम यह पद नायब का जो पद है, रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले एक नेता एथलीन को मिला। इस प्रकार वास्तविक शक्ति का सत्ता तीन दावेदारों इस समय थे, सुल्तान, नायब, वजीर। इसके पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठे, जिसकी शासन अवधि 1242 से 1246 ईस्वी तक रही। इसके शासनकाल में समस्त शक्ति 40 सदस्यों के पास थी, सुल्तान नाम मात्र के लिए ही था। बलबन अमीर ए हाजिम के पद पर नियुक्त हुआ था और धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया था। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, जो कि 1246 से 1265 ईस्वी तक शासन करते हैं, यह एक मधुर एवं धार्मिक स्वभाव वाला व्यक्ति रहा तथा खाली समय में कुरान की नकल करना इसकी आदत थी। मिनहाज सिराज ने अपनी तबकात ए नासिरी उसे ही समर्पित की थी। उसके शासनकाल में वह मुख्य काजी के पद पर भी था और बाद में षड्यंत्र के द्वारा उसी के शासनकाल में हराया गया था। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति जो थी बलबन के हाथों में ही केंद्रित रही। 1249 में उसने बलबन को उलूक खां की उपाधि प्रदान की थी और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायबे मुमलकात का पद दिया था। इसके शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था, जो कि बलबन का विरोधी था। इसका जो नेता था इमानुद्दीन रिहान था। रिहान का एक धर्मच्युत शक्ति का पण करता और षड्यंत्रकारी कहा गया है। 1265 में ही नासिरुद्दीन की मृत्यु होने पर बलबन स्वयं को सुल्तान घोषित करता है और उसका उत्तराधिकारी बन जाता है। इस प्रकार जो बलबन है 1265-66 से 1287 ईस्वी तक शासन करता है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, बलबन की उपलब्धियाँ, जो कि रजिया सुल्तान के बाद एक योग्य शासक के रूप में उभरे, जिसने दिल्ली सल्तनत को सुरक्षा और मजबूती प्रदान की। बलबन ने लोहे रक्त की नीति का अनुसरण किया और शासन का संचालन किया। सिजदा और पेमोश के जो नियम बलबन के द्वारा ही शुरू किए गए थे। बलबन, जिसका भी मूल नाम बहाउद्दीन था, जाति बीमारी झुरक की उपाधि यासुद्दीन उलूक खां
नियामकीय खुदाई जिले इलाही उपाधियों से विभूषित किए गए। पद्मिनी वंश के ये संस्थापक रहे थे। इस वंश का अंतिम शासक जो था केकू बाद रहा। बर्मी ने बर्मन को खुफिया काती, बर्मी जो इतिहासकार है उसने बर्मन को एक खुफिया काती तथा जनता का पिता और नायक भी कहा है। बर्मी ने बर्मन को खुफिया काती, जनता का पिता एवं नायक भी कहा है। तो इस प्रकार बर्मन दिल्ली सल्तनत का एक योग्य सुल्तान था जिसने दिल्ली सल्तनत की शत्रुओं से रक्षा की थी। बलबन जो कि इलबारी तुरक जाति से ही संबंधित था। बलबन तुर्किस्तान के इलबारी कबीले से संबंधित था। बचपन में ही बलबन मंगोलों के हाथों में पड़ जाता है और इन्होंने अर्थात मंगोलों ने बलबन को एक दास के रूप में बगदाद के ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया। अंत में 1232 में इल्तुतमिश ने बलबन को एक दास के रूप में खरीद लिया था। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक का दास इल्तुतमिश था और इल्तुतमिश का जो दास है बलबन रहा। अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर बलबन उन्नति करता चला गया और उसे 40 गुलामों के दल में शामिल भी कर लिया गया था। रजिया के शासनकाल में उसे अमीर के शिकार के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी तथा बहराम शाह ने उसे हांसी और रिवाड़ी की जागीरें प्रदान की थी। 1246 में नासिरुद्दीन महमूद के सुल्तान बनने पर बलबन को प्रधानमंत्री वजीर के पद पर नियुक्त किया गया। नासिरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात 1265-66 में बलबन दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। इस प्रकार बलबन की शासन जो अवधि है 1265-66 से 1287 ईस्वी तक मानी जाती है। आइए अब देखते हैं शासक बनते समय बलबन को किन किन कठिनाइयों समस्याओं का सामना करना पड़ा था, किस प्रकार इन समस्याओं का उसने निवारण किया। बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयां, बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयां बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयां नंबर एक है, बलबन को गद्दी पर बैठते ही सल्तनत की आर्थिक दशा जो थी उस समय काफी खराब थी। बलबन के गद्दी पर बैठते ही सल्तनत की आर्थिक दशा काफी खराब थी। आर्थिक दशा में सुधार करना बलबन के लिए एक चुनौती था। बिना राजकोष के शासन कार्य में सुधार संभव नहीं है, लेकिन जब बलबन सिंहासन पर आसीन हुआ उस समय दिल्ली सल्तनत की आर्थिक दशा डावाडोल थी अर्थात अत्यंत खराब थी। नंबर दो है, उस समय शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी। नंबर दो है, शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी। शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी।
शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी, शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी, शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी तथा अमीरों में सरदारों में अब अनुशासन नहीं रह गया था। अमीरों एवं सरदारों में अब अनुशासन नहीं रह गया था। अतः शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करना, अमीरों एवं सरदारों में अनुशासन स्थापित करना भी बलबन के लिए एक चुनौती के रूप में था, लेकिन बलबन ने अपनी प्रतिभा और योग्यता से इन समस्याओं कठिनाइयों का निवारण अच्छे ढंग से किया, प्रशासन व्यवस्था को मजबूती प्रदान की थी। तीन नंबर पर है त्रिपक्षीय सीमा पर मंगोलों के आक्रमण का, उत्तरी पक्ष की सीमा पर मंगोलों के आक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा था, अतः मंगोल आक्रमण से देश की रक्षा करना भी इल्तुतमिश के सामने एक चुनौती के रूप में था। इसके अलावा जो राजपूत नरेश थे अपने खोए हुए प्रदेशों पर, उन्हें नियंत्रण करना चाहते थे। अतः राजपूत शासकों को अपने नियंत्रण में करना बलबन के लिए एक चुनौती के रूप में था। इसके अलावा मेवात में दोआब के विद्रोहियों की, मेवात व दोआब के विद्रोहियों की गतिविधियां भी जोरों पर थी। इस प्रकार गद्दी पर बैठते समय बलबन को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन बलबन ने बड़े योग्यता और साहस के साथ इन समस्याओं का निवारण किया था। संक्षेप में एक बार फिर से बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयां अर्थात समस्याएं, चुनौतियां जो कि बलबन को शासक बनते समय जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, पहली समस्या थी कि बलबन के गद्दी पर बैठते समय सल्तनत की आर्थिक दशा काफी खराब हो चुकी थी, अतः इसमें सुधार करना बलबन के लिए एक चुनौती के रूप में रहा। दूसरी है बलबन के गद्दी पर बैठते समय प्रशासन व्यवस्था थी वह भी अस्त व्यस्त हो चुकी थी, इस समय अमीरों व सरदारों में अनुशासन नहीं रह गया था और 40 गुलामों के दल की शक्ति इस समय काफ़ी बढ़ चुकी थी। अतः बलबन के सामने यह जो समस्या है चुनौती के रूप में उभरी थी, अतः उसने
बलबन ने 40 गुलामों के दल का पतन कर दिया। नेक्स्ट है उत्तरी पक्ष की सीमा पर मंगोलों के आक्रमण का खतरा भी समय बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा राजपूत नरेश भी अपने खोए प्रदेशों पर पुनः एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे। इसके अलावा मेवाड़ दोआब के विद्रोहियों की गतिविधियां भी इस समय जोरों पर चल रही थी। बलबन ने 20 वर्षों तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में बलबन ने शासन किया था। बलबन दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान ने होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग किया करता था। वह पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से अपने विचार प्रकट किए थे। उसने सुल्तान की पद और प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए ही लोहे और रक्त की नीति का अनुसरण किया था। बलबन के राजतव की दो मुख्य विशेषताएं रही थी। नंबर एक, सुल्तान का जो पद है ईश्वर द्वारा प्रदान किया हुआ होता है। दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए अब हम देखते हैं बलबन का राजतव सिद्धांत क्या रहा था। बलबन का राजतव सिद्धांत, बलबन का राजतव सिद्धांत, इसके अनुसार बलबन के राजतव सिद्धांत के अनुसार सुल्तान निरंकुश होता है तथा उसे कोई भी आज्ञा नहीं दे सकता। बलबन के अनुसार सुल्तान निरंकुश होता है। बलबन के अनुसार सुल्तान निरंकुश होता है। सुल्तान निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी होता है। उसे कोई आज्ञा नहीं दे सकता। कोई आज्ञा नहीं दे सकता। कोई आज्ञा नहीं दे सकता। नंबर दो, सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। नंबर तीन, सुल्तान का पद अत्यंत पवित्र और गौरवशाली होता है। सुल्तान का पद अत्यंत पवित्र और गौरवशाली होता है। अत्यंत पवित्र एवं गौरवशाली होता है। पवित्र एवं गौरवशाली होता है। चार नंबर पर है राजतव सिद्धांत। चार नंबर है, सुल्तान उच्च वंश से संबंधित होता है। सुल्तान उच्च वंश से संबंधित होता है। उच्च वंश से संबंधित होता है। मेल जोड़ नहीं रखना चाहिए।
बलपुर के आजतक के ये प्रमुख सिद्धांत बातें रही थी जिसका अनुसरण उसने किया था, जिनमें पहला बलपुर के अनुसार सुल्तान निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी होता है। बलपुर के अनुसार सुल्तान निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी होता है और उसे कोई भी आज्ञा नहीं दे सकता। प्रजा का ये कर्तव्य है कि उसे सुल्तान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नंबर दो, बलबन के अनुसार जो सुल्तान है ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। तीन नंबर, बलबन के अनुसार सुल्तान का जो पद है अत्यंत पवित्र और गौरवशाली होता है। सुल्तान का जो पद है अत्यंत पवित्र और गौरवशाली होता है। चार नंबर, बलबन के अनुसार सुल्तान उच्च वंश से संबंधित होता है। बलबन के अनुसार सुल्तान उच्च वंश से संबंधित होता है, अतः उसे निम्न वर्ग के लोगों से मेल जोल नहीं रखना चाहिए। यही कारण है कि बलबन ने निम्न वर्ग के लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था और लोह रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए अपने विद्रोहियों को कठोरता पूर्वक उचलते हुए उसने शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित सुसंगठित रूप प्रदान किया तथा दिल्ली सल्तनत को शत्रुओं के आक्रमण से बचाए रखा, सल्तनत को सुरक्षित और मजबूत बनाए रखा। और इस प्रकार जो बलबन है वह दिल्ली सल्तनत का एक योग्य शासक था। इसने शासन सत्ता में कठोर नियंत्रण स्थापित करते हुए शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान की थी। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर से हाजिर होंगे। बलबन की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही, उसने किस प्रकार कठिनाइयों का निवारण किया और सफलता हासिल की, अपनी योग्यता प्रतिभा का परिचय दिया था। इस प्रकार कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है बलबन की प्रमुख उपलब्धियां और शासन व्यवस्था किस प्रकार से थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।